हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि फीलिंग्स क्या होती हैं। फीलिंग्स 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 काफी बड़ी चीज है ये। अगर तुम जानो तो ये उन चीजों से जुड़ी हुई है जो हमें खुशियां देती हैं। फीलिंग्स के मायने क्या है मैं नहीं जानता, पर जहां तक पहचान चुका हूं, मेरे लिए फीलिंग्स तो वो है जहां एक छोटा सा बच्चा उसके छोटे नन्हे कदम जब हमारी तरफ बढ़ते हैं और वो मुस्कुरा के उन बड़ी बड़ी आंखों से हमें देख के हमारे पास आता है, वो जो खुशी होती है शायद से वो फीलिंग है। जब वो बच्चा हमारी उंगली पकड़ के, छोटा सा एक साल का बच्चा चलता हुआ आपके पास आता है, हमारी उंगली पकड़ता है और हमें बाहर की तरफ ले जाता है घूमने के लिए, वो मेरे लिए फीलिंग्स है। एक क्रिकेट मैच देखते हुए धोनी का सिक्सर देख के जो जोश जगता है, शायद से वो मेरे लिए फीलिंग्स है। जब तुम परेशानी में हो, कोई तुम्हें आके पूछता है और पूछने के बाद गले लगा के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो मेरे लिए फीलिंग्स है। फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स ऐसी चीजें हैं, वो भावनाएं जो हमारे मन में हमें खुशियां देती हैं। कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स कुछ और ही चीज है। अब मैं नहीं जानता कि हर किसी की सोच तो अलग होती है, हर इंसान में एक फीलिंग होती है, मुझ में भी है, बट किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना यह सबसे बुरी चीज है। वो इंसान तुम्हें किस नजरिए से देख रहा है और आप उसे किस नजरिए से देख रहे हो, ये फीलिंग्स है। अगर कोई इंसान आके आपसे कहता है कि मेरे मन में आपके प्रति फीलिंग्स हैं, तो आप क्या सोचते हो ये आप पे निर्भर करता है, वो फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स के मायने बहुत ही सिंपल है। जहां हमें खुशी मिले, जहां हमारा मन शांत हो, वो फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग्स अच्छी या बुरी नहीं होती, डिसाइड तो हम करते हैं कि क्या है, क्योंकि मेरा तो यही मानना है फीलिंग्स हमेशा अच्छी होती हैं, क्योंकि वो हमारे मन से आती हैं और मन से हम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। किसी का बुरा करने में दिमाग लगता है, दिल तो हमेशा राइट होता है, भले ही लेफ्ट में हो पर राइट होता है। फीलिंग्स ऐसी चीज है जो इंसान को वो शांति देती है जो बड़े से बड़े दुख में भी उसे उन चीजों से बाहर निकाल लाती है। हाँ, फीलिंग्स ये भी होती हैं कि कभी तुम सैड हो तो वो भी फीलिंग है, कभी तुम खुश हो तो भी फीलिंग है। इन सिंपल वे आपको बताऊं तो जब हम सबसे ज्यादा मायूस होते हैं, वो भी एक फीलिंग है, और कोई हमें आके टच करे और हमें कहे और गले लगाए और कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो भी फीलिंग है। अब आप सोच रहे हो कि टच करे या मेरे साथ हूं, तो वो कोई भी हो सकता है। वो तुम्हारे पिता हो सकते हैं, वो तुम्हारी माँ हो सकती है, वो तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारा लव हो सकता है, बुरे वक्त में जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुमसे बात करता है और जो शांति तुम्हें मिलती है, वो फीलिंग है। कहते कहते रुक जाना, किसी को देख के मुस्कुराना, वो फीलिंग्स। फीलिंग्स हमेशा अच्छी ही होती हैं, कोई अच्छी या बुरी फीलिंग्स नहीं होती। लोग कहते हैं कि यार मेरे मन में बुरे फीलिंग्स आते हैं, तो वो फीलिंग्स नहीं है, वो तुम्हारे विचार हैं। देयर इज अ टोटल डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। अ गुड थॉट गिव यू गुड फीलिंग्स, बट बैड थॉट्स गिव यू बैड थॉट्स। तो फीलिंग्स के माने बहुत ही सिंपल हैं। जहां तुम दूसरों को खुश कर सको, जहां तुम्हारी वजह से दूसरों को खुशी मिले, वो फीलिंग्स हैं। जहां तुम हर चीज को अच्छे नजरियों से देखो, अच्छी बातें करो, चाहे जैसी बातें करो, पर वो इंसान अगर खुश है, वो फीलिंग्स हैं। किसी की मदद करना भी फीलिंग है। तो फीलिंग के माने ऐसे नहीं मानो कि यार सर मुझे बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं किसी के प्रति, मैं उसको रोकूं कैसे। बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो वो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है,
या तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरी हरकतें हो रही हैं, तो वो फीलिंग्स नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, वो तुम्हारे मन के मन में जो थॉट्स हैं वो है। तो उन्हें रोकने के लिए सिंपल सी चीज है, अपने आप को किसी ऐसी चीज में लगाओ जहां तुम बिजी हो। अपने दोस्तों से बात करो, जब तक तुम बोलते नहीं हो, वो विचार तुम्हारे मन से निकलते नहीं है, तब तक वो थॉट्स को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो थॉट्स तुम्हारे माइंड में है, इसलिए तुम्हें बुरे विचार आ रहे हैं, और उन्हें निकालना है तो बात करो, डिस्कस करो, चाहे खुद से कहो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, खुद से बात कर लो। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद हो, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता, आपको आपसे अच्छा कोई फील नहीं करा सकता। तो फीलिंग्स यही है कि जहां मन खुश हो, अच्छा लगे, तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें फीलिंग के मायने नहीं जानते। जानता तो हर कोई है, बट तुम जिन्हें कह नहीं पा रहे हो, तो इस तरह से आप कह सकते हो। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक भी करना, और उन लोगों को बताना जिन्हें आप बताना चाहते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।